नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नाइन प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारा एक वीडियो देखा था मेष राशि के ऊपर या मेष लगन के ऊपर राहु केतु के ट्रांजिट का क्या फल आ सकता है, क्या आधार आ सकता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि राहु केतु क्या है, हो सकता है सिर्फ जिनका पर्टिकुलर ये लगन है वही लोग सुने, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देती हूँ। राहु और केतु शेडो प्लैनेट्स हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन इनकी छाया का इतना ज़्यादा प्रभाव है जिसकी वजह से लोगों के ऊपर इनका असर बहुत ज़्यादा आ जाता है। राहु और केतु जहाँ पे होते हैं वो उस प्लैनेट का भी अभाव अपने ऊपर लेते हैं, उनके रंग से चलते हैं, उस प्लैनेट की आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है उसका अभाव भी अपने संग लेते हैं। क्योंकि राहु तो और केतु अपना ही तो किसी उनकी है ही नहीं, शेडो है, एक छाया है, छाया जहाँ पड़ेगी वो वहाँ का असर देगी। अब मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में राहु केतु की पोजीशन उच्च की है, स्वयं राशि की है, बहुत अच्छी है और या बुरी है, तो अगर अच्छी है तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरी है तो आपको बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। डिपेंड्स ऑन द कुंडली, ऑन द आधार ऑफ एवरी प्लैनेट। ये नहीं है कि एक ट्रांजिट को देखेंगे और हम पूरी प्रिडिक्शंस कर देंगे। हम जो आपके लिए प्रिडिक्शंस करते हैं वो इस आधार पे करते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि शायद ऐसा भी हो सकता है। परफेक्टली ये नहीं होता कि ऐसा ही होगा, स्ट्रेंथ का फ़र्क आ जाता है। जैसे कि मैंने मेष राशि वालों के लिए एक चीज़ ज़्यादा पर्टिकुलर बोली थी, एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन उसका स्ट्रेंथ कैसा होगा। हो सकता है कि घर में चलते चलते ही फिसल गए, हल्की सी खरोच लग गई, हो सकता है चाकू काटते काटते कट लग गया, हो सकता है सीढ़ियों से गिरे थोड़ी ज़्यादा चोट लगी, हो सकता है रोड। तो डिपेंड्स ऑन योर बेसिक, मतलब आधारित आपकी कुंडली जब आपका जन्म हुआ था। इन सब को हम मिला के एक फल निकालते हैं। ये नहीं हो सकता कि सब एक नंबर लगन वालों को या एक नंबर राशि वालों को बहुत ज़्यादा ही चोट लगेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए खैर, हम अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं। टॉरस, टॉरस राशि शुक्र की राशि है। ये लोग दिखने में सुंदर होते हैं, प्रभावित लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनके लगन में राहु आ रहा है, लगन में राहु आ रहा है, लगन आप खुद हैं। राहु एक प्राउड देता है, राहु एक अलग सा आपको एहसास देता है, मतलब फेक चीज़ें कह सकते हैं हम, लाइक राहु एक ऐसा इफ़ेक्ट देता है। दूसरी राहु की पहली दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगी, दूसरी सप्तम पे और तीसरी भाग्य पे। पंचम लव लाइफ है, बच्चे हैं, सेवंथ आपकी वाइफ है, आपकी पार्टनरशिप्स हैं, नाइन्थ आपके पिताजी भी आते हैं, आपका भाग्य भी आता है, मतलब आपकी ये तीन चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर आगे। अब इसका इफ़ेक्ट कैसा होगा, अब आप किस टाइम पे पैदा हुए थे और आपकी जन्म कुंडली का राहु केतु कहाँ है, ये हम उस पर भी देखेंगे, उन पर भी क्या प्रभाव है, तो ये हम सब मिला जुला सब देखते हैं। बट अभी जो मैं आपको मोटा मोटी ये बताऊंगी कि दो नंबर लगन वालों को किस चीज़ से बचना चाहिए, रिलेशनशिप से, शक करने से, पार्टनर के साथ अनबन करने से। दो नंबर लगन वाले, दो नंबर राशि वाले लोग अगर अपने पार्टनर पे ज़्यादा शक करेंगे, कोई अनबन करेंगे, तो उनके रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम आएगी। रिलेशंस देखिए सेवन नंबर इंक्लूड है, तो वो पार्टनरशिप भी आ सकती है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई चीज़ आ गई है, पार्टनर ने कोई चीज़ करी है, लेकिन आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, उसको अपने अंदर रख के उसको बढ़ाइए नहीं। हो सकता है कि उसने कुछ किया है, उसका करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी इंटेंशंस गलत नहीं है। तो उसके साथ अगर आपको लगता है कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उसके साथ बैठ के क्लियर कीजिए कि आपके रिश्ते में तनाव ना बढ़े। डेस्टिनी पे इफ़ेक्ट आता है, लेकिन भाग्य के जो पिता हैं हमारे, जो हमारे को भाग्य देते हैं गुरु, जो वहाँ के सिग्निफिकेटर हैं, इस टाइम वो उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। सो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जब इस चीज़ पे आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। उसके बाद अगर हम केतु की बात करें, केतु भी सेवन्थ में बैठ गए हैं, यहाँ पे भी वो रिलेशनशिप में दिक्कतें दे रहे हैं। यहाँ पे केतु इलेवेंथ हाउस, प्रॉफिट्स बहुत बढ़ेंगे आपके काम में, आप जितना काम करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, प्रॉफिट्स बहुत बढ़ा देगा केतु। केतु क्या है, ध्वजा है, फैलाता है, उड़ता है। दिमाग से सोचिएगा, दिल से नहीं, ज़मीन पे रहिएगा, आसमान पे नहीं। मैंने मतलब बहुत बड़ी बात छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात बोली है, दिमाग से सोचिएगा, दिल से नहीं, ज़मीन पे रहिएगा, आसमान पे नहीं।
मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है उसके ऊपर, ये नहीं कि मेरा ये बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लानिंग करके इसको आगे फर्दर करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप इसकी प्लानिंग नहीं करेंगे और बिना बुद्धि किए ही काम कर देंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे फ़ायदा होगा लेकिन प्लानिंग के साथ, विदाउट प्लानिंग नहीं। सो इसके लिए आप केयरफुल रहिए, क्योंकि कल को पता है बाद में होता ये है कि लोग हमें आके कहते हैं आपने ऐसा बोला था, तो लोग हमारी ना पूरी बात नहीं सुनते हैं, वो थोड़ी सी अपने मतलब की सुनना चाहते हैं, बाकी वो भूल जाते हैं कि ऐसा उन पंडित जी ने बोला था तो ऐसा ही होगा। पंडित जी अपनी तरफ से गलत आपको हम लोग क्यों गाइड करेंगे, हम लोग आपके भले के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि आपको फ़ायदा हो, लेकिन अगर आप उसको आधा अधूरा सुनेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए आप वीडियोस को ध्यान से सुना कीजिए, पूरी बात समझा कीजिए, उसके ऊपर डिसीजंस लीजिए। अगर आपको अपनी कुंडलियाँ दिखानी हैं, आपको लगता है कि ये आपका लगन है, मेरे साथ कोई मेरी फैमिली में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मेरा अगर आप टीनेज हैं लव लाइफ में दिक्कत तो नहीं आएगी, बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग किसी नई इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, तो हम आपको यही सलाह देंगे आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए और उसके बाद इस चीज़ को फर्दर परस्यू कीजिए कि आपका कोई किसी तरह का नुकसान ना हो और आप सूझबूझ के साथ सारी काम कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, थोड़ी देर बाद मेरा अगला वीडियो आएगा मिथुन राशि के ऊपर, दोबारा मिलती हूँ मैं आपसे। मेरे प्लैनेट को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।